समस्तीपुर में एक डीलर के घर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। डीलर ने बताया कि रंगदारी ना देने के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना अंतर्गत सिंगिया घाट बुजुर्ग उत्तर पंचायत में अपराधियों ने 3 जून की रात लूट की वारदात को अंजाम दिया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता हरे कृष्ण राम के घर पर धावा बोलकर लुटेरों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके साथ ही घर में रखे रुपए, गहने, मोबाइल और जरूरत के सामान को लूट कर फरार हो गए। जख्मी हरे कृष्ण राम और उनके परिवार को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पीड़ित डीलर का आरोप है कि अपराधी रंगदारी के रूप में 10,000 रूपए मांगा करता था और रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज। समस्तीपुर में अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने के अंतर्गत आता है सिंगिया घाट, जहाँ पे अपराधियों ने तांडव मचाया है। और मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे 3 तारीख के रात में 9 बजे अपराधी आता है, घर में घुस करके घटने का अंजाम देता है। पहले तो जो घर वाले हैं उसको बुरी तरह से पीटा जाता है और उसके बाद घर में जो भी सामान रखे हुए रहते हैं उसको लूट लिया जाता है। आइए हम उस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये गेट है और अपराधी पहले इस गेट पे आता है और गेट पे पहले जो लाइट लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि पहले अपराधी इस लाइट को ऑफ करता है इसलिए कि अंधेरा हो जाए और उसके बाद अपराधी को अपराध करने में अच्छा रहेगा। पहले गेट को लाइट को फोड़ा गया है और उसके बाद गेट के अंदर ग्रिल के ऊपर से फांद करके अपराधी गेट के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो भी मामला है हम अंदर चल के देखते हैं। अब मैं अंदर आ गया हूँ और अंदर का जो मामला क्या है वो देखते हैं। पहले आप देखिए कि अपराधी ने सबसे पहले आकर यहाँ पे किस तरीके से क्षतिग्रस्त पहुँचाया है। मोटरसाइकिल है ये और मोटरसाइकिल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पहुँचाया है। आप देख सकते हैं कि अपराधी ने किस तरीके से यहाँ पे अपराध का तांडव यहाँ पे मचाया। फिर उसके बाद मैं अंदर चलूँगा और अंदर क्या मामला है आइए अंदर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के साथ मारपीट किया गया है यहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित था। जैसे ही लोगों को पता चला है कि यहाँ पे लड़ाई हुआ मारा गया है, लोग यहाँ पे काफ़ी पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं जिनका ये घर है उनके साथ घटना क्या हुआ है उसके बारे में। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ था, क्या घटना, मतलब क्यों घटना घटा। घटना का कोई कारण नहीं है, हम खाना खा करके यहाँ बोले लगभग 1 व्यक्ति प्रवेश किया, इसका खिड़की तोड़ दिया गया, खिड़की खोल दिया गया और ईटा बगल में ईटा चौका हुआ था, उसको करके लोग पहुँच गए और अंधाधुन यानी रोड से मारना शुरू कर दिए और हम जान बचाने के लिए घर में भागे। घर में घींच करके हमको ये रोड से मारा जो मेरा सर फट गया और मेरे बिछावन पर वहाँ पर बक्सा था यानी उसमें 40,000 रुपया हम बिक्री का सामान रखे हुए थे वो भी लेट ले गया। मेरी पत्नी को हाथ फ्रैक्चर कर दिया है, तोड़ दिया है और पूरा घर का सामान समाप्त कर दिया है। मोटरसाइकिल तोड़ दिया है, साइकिल लेकर के भाग गया है और हम अभी तुरंत यानी समस्तीपुर सदर अस्पताल से इलाज करा के आए हैं। कल हमें DMCH में जाना है CT स्कैन कराने के लिए। तो आपके साथ जो मार्केट है जो व्यक्ति का पहचानते हैं क्या? पहचानते हैं। कौन कौन है, कुछ का नाम है? हाँ, नाम बतला सकते हैं। 5 व्यक्ति को हम पहचानते हैं। राम प्रसाद उर्फ जहर पासवान, उसका लड़का है लालबाबू पासवान, श्याम पासवान उसका नाती और उसका पोता है। 5 व्यक्ति तो हम पहचानते हैं और 10-15 व्यक्ति थे जो नकाबपोश में थे, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। अच्छा, आपको जो मारा मारने के पीछे मतलब जो जैसे जो आपसे लड़ाई किया है पीछे पिछले कुछ नहीं रंगदारी हमसे 10,000 का महीना मांगता था, तुम डीलर है बहुत पैसा कमाते हो, 10,000 का महीना तुमको देना होगा, नहीं दिया, हम विरोध करते थे इसलिए ऐसी घटना का अंजाम दिया। अच्छा, आपसे रंगदारी का मांग करता था? हाँ, प्रत्येक महीना 10,000 रुपया देना हो, प्रत्येक महीना 10,000 किया। अच्छा, तो आप उसको पैसा नहीं देते? नहीं देते थे, इसलिए मजमा बना करके और भी जुटा कर ऐसा हमला किया और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके घर में लूट भी किया है? हाँ, लूट भी किया। अच्छा, कुर्सी सामान तमाम तोड़ दिया है, 40,000 रुपया रखा था, सोचे जेवर ले लिया है, 3 भर सोना का था वो ले लिया है, कपड़ा लत्ता ले लिया है। कहाँ कहाँ मारा, कहाँ कहाँ है? हमारा हमें तो यहाँ मारा है रोड से। अच्छा, जो जख्मी है
समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर ने बताया है कि अच्छी जगह की आपको नियम से सीटी स्कैन कराना होगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा। अच्छा, तो आपके साथ जब घटना घटा था तो आपने प्रशासन को जानकारी दी है? प्रशासन को हाँ, मैंने सदर अस्पताल विभूतिपुर गया और मेरे ग्रामीण लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके हमें भेजा है और वहाँ से थाना प्रभारी महोदय आए थे, उन्होंने देख करके गया है, इसका तो मैं तो अभी सदर अस्पताल से आ ही रहा हूँ। अच्छा, जब प्रशासन आया था आपके यहाँ तो उस समय में आप नहीं थे? नहीं, उस समय हम नहीं। अच्छा, उस समय में आप इलाज के लिए गए? इलाज के लिए गए। अच्छा अच्छा, और आपके मतलब परिवार में और किसको किसको मारा है? परिवार में पत्नी है और दो बच्चे हैं। अच्छा, संदीप और अमित है, उसको भी मारा है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था, क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अच्छा, ये घटना जो घटा कैसे घटा? ये घटना, पापा जी खाना खा रहे थे, हम आप लोग गए थे खाना खाने के लिए, बैठ ही रहे थे, कुछ काफ़ी लोग आया, बगल का ही है। हाँ, तो गेट पे गए देखने के लिए, तो गेट नहीं खुला, खुलने का ऊपर थोड़ा सा ही छुटा हुआ, उसमें आए कुछ ईटा है उधर चला, उसको फेंक कर उसका आया और पापा को डायरेक्ट मारने चालू किया। हम लोग पूछताछ किए, पापा बचने के लिए चौकी तर में भागे। हाँ, तो फिर उसने चौकी तर से किसी खींचा मारा, मम्मी खाना खा रही थी मेरे लिए, मम्मी को मारा, मम्मी की जान बचाने के लिए चौकी तर भागी, उसको भी चौकी तर से घींच के पापा को घींच के, हम दोनों भाई थे, दोनों भाई दूसरा रूम में भागे बचने के लिए। हाँ, तो उस गेट का कवाड़ खिड़की तोड़ के तोड़ दिया, हम लोग को भी मारा। हाँ, क्या क्या नाम क्या हुआ मेरा? हाँ, अमित कुमार। पापा का नाम? हरे कृष्णा। तो आपको खूब मारा है? हाँ, मारा है, देखते हैं पूरा, देख रहे हैं ब्लड। तो ये आप देख रहे हैं कि इनको भी जो है बुरी तरह से ये मारा गया है, जख्मी किया गया है पूरा। कुछ ग्रामीण हैं, इस घटना के बारे में हम ग्रामीण से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आइए, कैसे घटना कैसे घटा था, आप लोगों को जानकारी है? नहीं, हमारे नहीं देख लिए, जहाँ हमारे कारण अलिए अलिए हल्ला गुल्ला हमारा घट के घर है। अच्छा, अलिए लूट पटक कर सब भाग गए। अच्छा, जब तक आप लोग पहुँचे तब तक में वो लोग लूट करके भाग गया, लूट कर भाग गए। जानकारी मिला है कौन कौन व्यक्ति थे? हम नहीं जानते। आप नहीं जानते, लेकिन जब तक आप लोग आया है तब तक मुझे भाग गया। अच्छा अच्छा, आप जानते हैं? उतने बात हम और जान लिए, जाने उसके दूर से पहुँच गए तकला में से मार पीट को सब चीज लूट के भाग गए। अच्छा, तब हमारे पहुँच गए। अच्छा अच्छा, तो ये किनको किनको मारा है आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो इनको रे मार, हरे कृष्ण का। अच्छा, तेकर बाद कन्या का मार है। अच्छा, बच्चा का मार है, बच्चा के ऐठन पर हिमिया है लागल। अच्छा, पर अमित के। अच्छा, संदीप का लागल है। अच्छा, सबका मार है। अच्छा, जब तक आप आए तब तक मैं अपराधी भाग गया। तो ये पता है कि अपराधी लोकल ही है क्या? लोकल है सबकी। अच्छा, यही का नजदीकी है? नजदीकी का। अच्छा अच्छा, तो आप देख रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग जब तक आए तब तक मैं अपराधी यहाँ से घटना का अंजाम दे करके भाग गए। कैमरामैन विकास के साथ मुकेश कुमार, HBN न्यूज समस्तीपुर।